दिलशाद पुत्र निजाम वेंडारक सी द्वारा। हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के टोंक समाचार में आपका स्वागत है। टोंक जिले के देवली में सीआईएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में 35 वर्षीय बैंड वादक जवान के खत्म होने का मामला सामने आ रहा है, जिसने फंदे के झूलने के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। जवान शनिवार दोपहर को बैंड वादन कर अपने घर गया था। देर शाम को उसकी पत्नी बेटे के साथ आरटीसी परिसर में घूमने गई थी। इसी दौरान पीछे से उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस को मौके से अभी तक कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ है। इसी दौरान मौके पर मौजूद थाना राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया है कि जवान दिलशाद खान 35 वर्षीय पुत्र निजामुद्दीन खान निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश की पहचान हो पाई है। सूचना पर सीआईएसएफ के जवान को मौके पर देवली अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पीटी करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार घटना के चलते सीआईएसएफ ने रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले बैंड वादन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। इसी दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में घटित वाले घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों, प्रदेश भर की ऐसी खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।